जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी फिल्म वेदा का प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था। इसके बाद से तमाम प्रमोशनल इंटरव्यूज और इवेंट्स चल रहे हैं। जॉन ऐसे ही एक इवेंट में पहुंचे थे जहां उन्होंने फिल्म के कंटेंट और उसके इर्द गिर्द होने वाली कॉन्ट्रोवर्सी और फिल्मों पर पड़ने वाले उसके असर पर भी बात की। जॉन का कहना है कि फिल्म अच्छी है तो चलेगी, इसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं रोक सकती। इस पर जॉन ने शाहरुख खान की पठान का उदाहरण दिया। साथ ही जॉन ने सोशल मीडिया पर फिल्म के प्रमोशन के लिए रील बनाने वालों को भी आड़े हाथों ले लिया। जॉन अब्राहम अमर उजाला के इवेंट में पहुंचे थे। यहाँ उनसे पूछा गया कि आजकल फिल्मों को लेकर बॉयकॉट और कॉन्ट्रोवर्सी आम बात हो गई है, ऐसे में क्या एक फिल्म मेकर पर फिल्म के विषय का चुनाव करने के लिए कोई प्रेशर होता है? इसके जवाब में जॉन ने कहा, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है। अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है तो चलेगी, अगर अच्छी नहीं है तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लें नहीं चलेगी। ऑडियंस भगवान है और वही किंग है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि हम खूब मेहनत करते हैं, अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए मॉल में जाते हैं, ये सब चीज़ें फिल्म की मदद नहीं करती हैं। फिल्म अच्छी है तो चलेगी। जॉन ने अपनी फिल्म पठान का जिक्र करते हुए कहा, पठान एंटरटेनिंग थी इसलिए वो चली। फिल्मों पर विवाद और कंट्रोवर्सी होती रहेंगी, लेकिन आपकी फिल्म अच्छी है तो चलेगी। अगर आपकी फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हुई मगर वो फिल्म बुरी है तो नहीं चलेगी। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर रील बनाओ, आप ये करो वो करो, मेरा इस पर यही कहना है कि ये सब करने का पॉइंट क्या है? अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है, आपका जो क्राफ्ट है उसे बेहतर नहीं कर सकते, आपकी फिल्मोग्राफी अच्छी नहीं है तो फिर इंस्टाग्राम पर रील का क्या फ़ायदा? ये सब फालतू है। लोग मुझे पुराने ख्यालों वाला भी बोलते हैं, क्योंकि ना मेरे पास व्हाट्सएप है और ना मेरे फ़ोन पर कोई सोशल मीडिया है, हालांकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। जॉन अब्राहम की वेदा जाति व्यवस्था पर बात करने वाली हार्ड हिटिंग फिल्म लग रही है। यही वजह लग रही है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने लंबे समय तक लटकाए रखा है। इस पर मेकर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया गया था, मगर मामले को तुल पकड़ता देख CBFC ने फटाक से इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया, वो भी बिना किसी कट के। वेदा में जॉन अब्राहम के साथ शर्वरी वाघ, तमन्ना भाटिया, आशीष विद्यार्थी, अभिषेक बैनर्जी और कुमुद मिश्रा जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। फिल्म को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है। इसके पहले निखिल और जॉन बाटला हाउस में साथ काम कर चुके हैं। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज के लिए शेड्यूल है, मगर वेदा की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इसी दिन राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2, अक्षय कुमार की खेल खेल में, चिया विक्रम की पैन इंडिया फिल्म तंगलन और पुरी जगन्नाथ की फिल्म डबल आई स्मार्ट भी सिनेमाघरों में उतर रही है। ये जानकारी जुटाई है मेरे साथी शशांक ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।